क्या नाम है भाई आपका? अभिषेक कुमार। थोड़े तेज बोलेगा? अभिषेक कुमार। अभिषेक भाई कौन लगते हैं आपके? ये मेरा कुछ नहीं लगते भाई। जी जी, साथ में काम करते हैं, अब लेके आना पड़ा, क्या करेंगे। क्या बीमारी है इनको? कैंसर भी है, कोरोना भी। अच्छा, इनके जो बच्चे हैं उन्होंने? कोई नहीं पूछता, फोन लगाते हैं, फोन नहीं उठाते हैं, उठा भी लेंगे तो मना कर देंगे कि हम परवेश को नहीं जानते हैं, कौन है परवेश हमें नहीं पता है। कहते हैं मर गया वो। मतलब इस हालत में अकेला छोड़ दिया? अकेला ही छोड़ दिया, काफी दिन से इसको, कम से कम कितनी, तो इसको 6-7 महीना हो गया। तो 6-7 महीने से आप ही कर रहे हैं? हम ही लोग करते हैं, कंपनी में है, हम लोग 3-4 लोग हैं, हम ही लोग करते हैं, कोई करने वाला है नहीं इसको। आपको डर नहीं लगता कि कोरोना पॉजिटिव है फिर भी? सर क्या करें, कितना डरेंगे, इसको भी जान है बेचारे की, क्या करेंगे, बचाना तो पड़ेगा ही। नहीं कोई देखने वाला है, हम ही लोग देखेंगे, छोड़ भी तो नहीं सकते उसको, साथ में काम करता है। कैसे बच्चे होते हैं वो जो अपने माँ बाप को मरने के लिए रोड पर छोड़ देते हैं? मैंने सुना है कि माँ बाप जन्नत होती हैं, माँ के पैरों के तले जन्नत होते हैं, बाप जन्नत का दरवाज़ा होता है, और वो बाप जिस उम्र में उसको बेटे का साथ चाहिए था, अपने बच्चों का साथ चाहिए था, उसको छोड़ दिया मरने के लिए। मुझे अफसोस भी हुआ और थोड़ा डर भी लगा कि बाबा जो थे ये पॉजिटिव थे, कोरोना पॉजिटिव, लेकिन जो इनके साथ में काम करने वाले वर्कर हैं वो इनको बिना किसी डर के इनको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर मुझे लगता है अगर वो सपोर्ट नहीं करते तो शायद ये बाप अब तक मर जाते। और बस मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अपने माँ बाप की इज़्ज़त किया करो। माँ बाप, अगर आप तरक्की चाहते हो दुनिया और आखरत में, तो अपने माँ बाप को प्यार दो। माँ बाप इस कंडीशन में ना हो जाएं कि वो तुमसे डरने लगें, वो बेहद ही अफसोस का दिन होगा बहुत, जब तुम्हारा बाप तुमसे बात करते हुए झिझकेगा। होना तो ये चाहिए कि हम अपने माँ बाप से बात करते हुए अदब से बात करें, झिझके मदद क्या करो। अपने माँ बाप को कभी अकेला ना छोड़ो अगर ज़िंदगी में तरक्की चाहते हो तो। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, खुश रहो और जन्नत कमाओ।